नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़ी एक खास उपाय बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो इससे आपका भाग्य ही बदल जाएगा। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इससे आपका जीवन भी खुशहालमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन को सुखी और सार्थक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर हिंदू धर्म में हर किसी के घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है और तुलसी के पौधे में मंजरी ज़रूर निकलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसमें अगर मंजरी निकली हुई हैं, जो तुलसी की मंजरी होती हैं वो निकली हुई हैं, तो दोस्तों उन मंजरी को आपको तुलसी से हटा देना है, यानी कि उसको निकाल देना है। और दोस्तों, इस मंजरी को निकालते समय आपको बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही आराम से उन मंजरियों को तुलसी से उतारना है, यानी कि निकालना है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में जो मंजरी निकलती हैं वह तुलसी के ऊपर भार होती हैं, उस मंजरी के रहने से तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी के ऊपर से मंजरी को निकालना या उतारना तुलसी की सबसे बड़ी सेवा होती है। और दोस्तों, इसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है। इससे तुलसी के साथ साथ स्वयं श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपके तुलसी के नीचे शालिग्राम हो, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि शालिग्राम विष्णु जी का ही एक स्वरूप है, जो कि तुलसी के नीचे रखना अनिवार्य है। क्योंकि तुलसी के साथ जो है शालिग्राम होने से घर में संपन्नता आती है, लक्ष्मी आती हैं और कभी भी घर में पैसों की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप तुलसी के नीचे शालिग्राम का जो काला कलर का पत्थर होता है उसे ज़रूर रखें। और दोस्तों, आप जितना भी मंजरी तुलसी के ऊपर से निकालेंगे यानी कि हटाएंगे, तो उन सभी मंजरी को आपको इकट्ठा कर लेना है। और दोस्तों, आपको 108 मंजरी जो है उस शालिग्राम के ऊपर चढ़ा देना है जो आपने अपने तुलसी के नीचे रखी हुई हैं। और ऐसा करके आपको प्रत्येक मंजरी को चढ़ाते समय जय शालिग्राम भगवान, जय तुलसी माता या फिर जय तुलसी नारायण ऐसा बोलना है। या तो आप बोलकर भी कह सकते हैं या फिर मन ही मन भी कह सकते हैं, यानी कि आपको 108 बार जय तुलसी नारायण इस मंत्र को बोलना है और जो है 108 मंजरी उस शालिग्राम के ऊपर समर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ को भी स्मरण करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं जगत गुरु स्वरूप माने जाते हैं और उनके आशीर्वाद से आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा और आपका जो पूजा है वह सही विधि से और सही तरीके से संपन्न हो जाएगा, जिससे आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और आप पर जो है माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु और तुलसी माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि जो तुलसी के नीचे आपने जो शालिग्राम रखा है, तो जब भी आप रोज़ाना तुलसी पर जल चढ़ाएं तो तुलसी पर जल चढ़ाते समय आपको उन शालिग्राम के ऊपर भी जल चढ़ाना है, यानी कि शालिग्राम को भी आपको स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद आपको शालिग्राम का जो पत्थर है उसको साफ कपड़े से पोंछना भी है। और दोस्तों, साफ कपड़े से पोंछने के बाद उनको जब आप रखेंगे तुलसी के पास में, तो शालिग्राम के नीचे आपको कोई एक पत्ता रख देना है, जैसे कि आपको एक साफ पत्ता या फिर कोई कपड़ा रख देना है जिसके ऊपर आप शालिग्राम को रखेंगे। और दोस्तों, शालिग्राम को रखने के बाद आप शालिग्राम के ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें। और दोस्तों, जो भी आप तुलसी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आप उनकी पूजा कीजिए और दीपक जलाइए। और दोस्तों, अगर आप घी का दीपक जला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप साधारण कोई भी तेल का दीपक भी जला सकते हैं।
और दोस्तों यकीन मानिए, यह उपाय आपका पूरा जीवन बदल देगा। आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की, तुलसी मैया की कृपा बरसती रहेगी। आपके जीवन जो है खुशहालमय हो जाएगा, पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी और आपका जो आने वाला भविष्य होगा वो भी बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप रोज़ाना तुलसी की सेवा पूजा कीजिए, मंजरी सेवा कीजिए, शालिग्राम की सेवा कीजिए। यह बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि हर हिंदू धर्म के लोगों को करना चाहिए, हर हिंदू धर्म को मानने वाले जो मनुष्य हैं उनको करना चाहिए। अगर आप भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप तुलसी की सेवा पूजा, शालिग्राम की सेवा पूजा ज़रूर कीजिए।